Please subscribe to my channel Essa Kitchen and don't forget to hit the bell icon. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum friends. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स. आज हमारे किचन में बनने जा रही है डेलगोना कॉफ़ी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 2 टेबलस्पून हम कॉफ़ी लेंगे. टेबलस्पून जो है हम पाउडर शुगर डालेंगे. 3 टेबलस्पून ही हम गर्म पानी डालेंगे. इसको आप हाथ से भी बीट कर सकते हैं और मशीन के साथ भी. बीटर से टाइम जो है वो कम लगता है. फ्लेवर में कोई चेंज नहीं आएगा, बेशक आप हाथ से बना लें बेशक आप बीट से बना लें. अभी देखें तकरीबन 30 सेकंड हुए हैं लेकिन अभी कलर जो है डार्क है. हमने इसको इतना बीट करना है कि लाइट लेके आना है कलर. हम इसका फॉमी सा ऑलमोस्ट तैयार हो गई है. इसमें 1 से 2 मिनट लगे हैं. अब ये देखें जैसे जैसे मैं इसको बीट करूँगी तो डिज़ाइन आएगा कॉफ़ी के ऊपर. इसका मतलब है ये तैयार है. ये देखिए कैसे फ्लावर सा बनता जा रहा है. इसमें ये ऑलमोस्ट डन. इसका एक और मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि ऐसे आप अपनी बाउल को पकड़ें और इसको ऐसे नीचे को करके जोर जोर से टैप करें. कोई भी टरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही. अल्हम्दुलिल्लाह ये डन. आइस डालेंगे. अगर आपको मीठा पसंद है तो आप अपने मिल्क में शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं. कोई भी स्पून ले लें या आइसक्रीम का ये ले लें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें कैसे फ्लोट कर रहा है ऊपर से. कैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे विप हुई है हमारी कॉफ़ी. कोई भी टेस्ट में इसका जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा. इससे आपका टाइम बहुत कम लगेगा. अगर आपने हैंड से बीट करनी है तो भी अच्छी बात है. कोई भी आप स्पून ले लें या स्ट्रो यूज़ करें. मैं यहाँ पे थोड़ा टूथपिक का कर रही हूँ. ये देखें वही सेम प्रोसीजर. बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी कम टाइम में. आपकी फैमिली भी खुश, फ्रेंड्स भी खुश, फादर भी खुश. वीडियो एंड तक देखने का आप बहुत बहुत शुक्रिया. वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. अपना और अपनों का ख्याल रखें. हमें दुआओं में याद रखें. मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.